गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन सर्किट हाउस के पास स्थित एनेक्सी भवन में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन, पशुधन सचिव के अलावा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और किसान मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। प्रदेश में कुल 233 करोड़ कृषक परिवार हैं। कृषकों द्वारा मुख्य रूप से फसल उत्पादन, औद्योगिक पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और रेशम पालन का कार्य अपने जीविकोपार्जन एवं आय के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि लागत को घटाना, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि उत्पादों मूल्य संवर्धन एवं विपणन जरूरी है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार के साथ ही दलहन व तिलहन की उत्पादकता की आवश्यकता है। उन्होंने खेती के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि की सम्मानित व्यावसायिक खेती पर बल दिया। इसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, किसानों के उत्पाद के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु विपणन की व्यवस्था, फसल बीमा के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को आच्छादित करने, कृषि विविधीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं आय वृद्धि तथा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस अवसर पर सचिव पशुधन ने कहा कि पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है। पशुओं से न केवल दूध एवं दुग्ध उत्पादन प्राप्त होते हैं, बल्कि उनके गोबर मूत्र का कृषि में भी प्रयोग कर कृषि को लाभप्रद एवं गुणवत्ता प्रक बनाया जा सकता है। कृषि विभाग हमको हाइब्रिड धान की बुआई करने पे मजबूर कर रहा है, बीज वितरण कर रहा है, और जब बेचने की बारी आती है तो सर बिचौलिए जो क्रय केंद्र सरकारी क्रय केंद्र है उस पे जो है धान उस धान हाइब्रिड धान को खरीदने से मना कर दिया जाता है। मजबूरन किसान जो है बिचौलियों को देने पे मजबूर है, जो सरकारी रेट से जो है कि 50% कम रेट पे हमको बेचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसको सुनिश्चित किया जाए सर कि अगर कृषि विभाग हाइब्रिड धान की बुआई करा रहा है तो उसको उस हाइब्रिड धान की खरीदारी सरकारी क्रय केंद्र पर सुनिश्चित किया जाए। दूसरी समस्या, अभी हमारे पूर्वांचल पोल्ट्री फार्म के डायरेक्टर ने कहा कि मक्के का रेट, हमारे यहाँ सूखे की स्थिति बनी हुई है कई सालों से और जनपद देवरिया में जो है सोयाबीन की खेती की जा रही है, तो सर इस सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उस पर कुछ नई स्कीम बनाई जाए और उसको जो है कि विपणन की व्यवस्था की जाए जिससे हमको उचित मूल्य मिले।
पता चल रहा है कि आज के डेट में हमको 29 रुपए पे सोयाबीन बेचने को मजबूर है हम, और बाहर से वही सोयाबीन जो है कि 32 या 33 रुपए में खरीद करके जो है कि मंगाया जा रहा है। तो इसके विपणन की भी व्यवस्था की जाए। सर तीसरी बात कि जो हमारे यहाँ फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग योजना चलती है कृषि विभाग में, तो सर ये योजना पे इसके साथ साथ जो है सरकार ने सीटू योजना एक जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया, तो जिसको फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग दिया जा रहा है उसको सीटू योजना से वंचित किया जाए, ताकि जो किसान फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग नहीं लिए हैं उनको जो है सीटू का फायदा मिले। तो सब्सिडी हमको नहीं मिल पाती, जैसे हमने पाइप डिलीवरी पाइप दिया था लपेटा पाइप, आज तक सर पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया और आज तक हमारे, तो इससे हम लोग उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। बाकी विभाग के लोग भी हैं, राजस्व है, ग्राम विकास के लोग हैं, उनको हम लोग लगाएंगे और इस पूरी योजना को सफल बनाएंगे। इस बार जो फसल अपशिष्ट को जलाने की समस्या थी उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। और जो ये मिलियन फार्मर स्कूल की योजना है, किसानों को जब तक हम लोग जागरूक नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार देवरिया में मैंने देखा कि तमाम जो आग की समस्या आई खेत को, और उसका प्रमुख कारण यही था कि लोग फसल अवशिष्ट जलाते थे और वो गांव तक पहुंच गया है, बहुत जगह गांव में भी आग लग गई और मुआवजा फिर हम लोगों ने दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया है। लेकिन जो मंडी से, मैं सरकार ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मंडी से जो हम लोग मुआवजा हम लोग देते हैं, मंडी की जो योजना है उसमें सर प्रति किसान जो है सर बहुत कम धनराशि सर आ रही है, और उसको भी सर हम लोगों ने होल्ड पे भी रख दिया है सर, और उसमें एक लेटर भी सर लिखेंगे और चूँकि उसमें सर बढ़ना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है सर, उसमें जैसा सर किसानों ने बताया कि जिले स्तर पर सर एक मैकेनिज्म होना चाहिए सर, और इसमें सर अगर हमको जैसे सर इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक सर पोस्ट ऑफिस के द्वारा शुरुआत की गई सर। मंडल जी हरी गोष्ठी में आप सबको नमन प्रणाम बा। विचार सुझाव शुरू करवा सब शिकायत के रूप में मछली